सीरियल अनुपमा में किंजल और अनुपमा दोनों ही बड़े फैसले लेने वाली हैं जो कि कहानी को पूरी तरह से बदल के रख देगी। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि वनराज और अनुपमा दोनों ही परेशान होते हैं कि तोशु घर छोड़कर चला जाएगा तो कि घर भी सुना सुना हो जाएगा और यहाँ पाकी और समय कितना भी लड़ ले, लेकिन हम उसे वो दोनों ही उसे काफ़ी प्यार करते हैं और वो उसके बिना नहीं रह सकते। और वनराज बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुका है कि समर की तरह क्यों तोशु भी अनुपमा पर नहीं गया और वो क्यों मेरी गलतियों से नहीं सीख पाया, और वो अपने आप को कोसता नजर आता है। लेकिन अनुपमा कहती है कि अगर आप पर जाता तो वो कभी भी बड़ों के साथ तो बकतमीजी बिल्कुल नहीं करता। और दूसरी तरफ समर और स्वीटी यानी कि पांगी दोनों ही जाकर माफ़ी मांगते हैं तोशु से, लेकिन तोशु तो रुकने को तैयार ही नहीं है। तो वहीं कुछ देर बाद में अब अनुपमा और वनराज दोनों ही पाकी के पास पहुंचते हैं जहां पर पाकी अपनी ट्रॉफी को लेकर सो रही होती है। और फिर दोनों ही उसे समझाते हैं कि अगली बार अगर बकतमीजी करी तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और तुम्हें हमेशा अपने फ्रेंड्स की तो परवाह रहती है लेकिन ये फैमिली वाले क्या सोचेंगे ये तुम्हें कभी परवाह नहीं होती। और पाकी को बहुत बुरा लगता है कि उसने बहुत गलत बिहेव किया है अपनी माँ के साथ और वो दोनों से माफ़ी मांगती है। नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा करने से पहले वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी, इसके बारे में सोचती है। और उसके बाद एक चिट लिखती है कि पेरेंट्स आर ब्लेसिंग नॉट डस्टबिन, और वो उसे हमेशा याद रखना चाहती है और अपने पेरेंट्स को कभी हर्ट नहीं करने का वादा भी करती है। और सुबह होती है जहाँ पर अनुराज और वहाँ पर अनुपमा सभी तीनों का ही मूड सही करने की कोशिश करती है, बाबा बापूजी और मामा जी का, और उनके लिए बहुत ही प्यारी सी पोइम लिखती है जिसे देखकर वो तीनों हंसते हैं। लेकिन उनके मन में यही है कि तोशु आज चला जाएगा। तभी वहाँ पर तोशु और किंजल दोनों ही अपने सामान पैक कर आ रहे होते हैं और अनुपमा उन दोनों की आरती उतारती है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देती है कि खाना खाना, ये करना, वो करना, और अनुपमा को काफ़ी केयर हो रही होती है। तभी तोशु और किंजल सबका आशीर्वाद लेते हैं और काव्या सोचती है कि अब ये दोनों ही कमाने वाली है, चले गए तो पता नहीं खर्चा कैसे चलेगा, लेकिन मैं तो अब खर्चा नहीं देने वाली हूँ। और तोशु और किंजल सबका आशीर्वाद लेकर जा रहे होते लेकिन किंजल अपना वहीं पर रुक जाती है और उसे तोशु को बाय कह देती है। और तोशु कहता है कि मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, लेकिन किंजल कहती है कि मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती, मैं उन यादों को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती और मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए। और सब उसके सब घर वाले भी शोर हो जाते हैं, समझाने की भी कोशिश करते हैं कि तुम्हें साथ जाने चाहिए, लेकिन वो साफ कुछ मना कर चुकी है और वो यहीं रहने वाली है। और वो नंदिनी से बात करते भी नजर आती है, कहती है कि मैंने हमेशा से यही सपना देखा कि मेरी जॉइंट फैमिली हो और मैं उनसे बहुत प्यार करूं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करे, लेकिन ये सपना इस तरह से टूटेगा मैं कभी सोचा भी नहीं था। इनकी जिंदगी एक नई शुरुआत होगी जहां पर तोशु सच में अकेला ही चला जाएगा और किंजल यहीं रहने वाली है, और इसके ऑफिस में भी काफ़ी कुछ ड्रामा हो जाएगा जिसकी वजह से किंजल की जॉब भी चली जाएगी। तो दूसरी तरफ तोशु काफ़ी मजे कर रहा होगा एक दूसरी लड़की के साथ, यानी कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो दूसरी तरफ अनुपमा को लोन लेने के लिए अपना ही गैराज अब रखना पड़ेगा गिरवी बैंक के पास में, और यह सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है अनुपमा। देखते हैं कि क्या फैसला लेती है अब एकेडमी को और कैफे को बचाने के लिए।